हेलो दोस्तों, बॉन्जोर इंडिया चैनल में फिर से आपका स्वागत है। बहुत से टूरिस्ट को गुलमर्ग गंडोला बुकिंग में कंफ्यूजन हो रही थी कि फेज़ टू पहले कैसे बुक करें, कैसे चेक करें कब तक सोल्ड आउट है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो फेज़ वन कर ले रहे हैं बट बाद में उन्हें पता लग रहा है कि फेज़ टू सोल्ड आउट है। ऐसे में क्या हो रहा है कि फेज़ वन में तो स्नो नहीं है, उन्हें स्नो देखना है, और फेज़ वन की राइड भी काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी कम ड्यूरेशन की होती है। मेन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ये फेज़ टू का ही होता है। तो अगर आपके पास फेज़ वन के टिकट्स हैं, फेज़ टू के टिकट्स नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा गुलमर्ग जाना वर्थ है कि नहीं है। दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रायोरिटी बस नो है तब तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको वर्थ नहीं लगेगा अगर आपके पास फेज़ टू के टिकट्स नहीं है। बट टेलीग्राम पे मैंने अपडेट किया है, अभी कुछ दिन पहले ही 2 लोकल साइट सींग वहाँ एक्टिव हुए हैं गुलमर्ग में, वहाँ भी आप जा सकते हैं। अगर आपके पास फेज़ टू के टिकट्स नहीं है या पूरे गंडोला के टिकट्स नहीं है, दोनों टिकट्स नहीं है, तो आप लोकल साइट सींग भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ लोकल साइट सींग करने के लिए कोई तो जाएगा नहीं, क्योंकि गुलमर्ग का जो गंडोला है ये मेन अट्रैक्शन है। तो आपके पास फेज़ वन फेज़ टू अगर दोनों रहते हैं, वन नाइट स्टे रहता है, तो आप लोकल साइट सींग भी एक्सप्लोर कर लोगे और साथ में गंडोला राइड भी आप कर लोगे। साथ ही मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिससे आप जो है आराम से फेज़ टू का पता लगा सकते हो, फिर आप फेज़ टू बुक करके फेज़ वन बुक कर सकते हैं। दोस्तों, ये साइट है दोस्तों जो ऑफिशियल गंडोला केबल कार की साइट है, ये साइट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हर एक वीडियो में ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है। आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी टिकट्स इससे कर लिया है, फिर भी कुछ और भी फीचर्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है जिससे आप रिफंड या फिर कैंसिल करने में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। दोस्तों, जो हमारे पर्सनल गाइडेंस मेंबर्स हैं या जो हमें क्लोजली फॉलो करते हैं टेलीग्राम में, उन्हें तो आइडिया होगा बट सबको इस बात का आइडिया नहीं होता है और वो काफ़ी परेशान रहते हैं। स्पेशली अगर उनका राइड कैंसिल हो जाता है या फिर उन्हें पोस्टपोन करना है, कैंसिल करता है, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि हमारा रिफंड आएगा कि नहीं आएगा। इन सब बातों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे ये होम पेज खुलता है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें मेंशन है कि 8:30 AM तक जो है गंडोला स्टार्ट होती है, बट प्रैक्टिकली ये वेदर पर डिपेंड करता है, 8:30, 9:30 भी हो सकती है, 10:30 भी हो सकती है। दोस्तों, इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन दैट डे वेदर। बट अगर मौसम सही रहा, सनलाइट है, वेदर भी अच्छा है, तो 8:30 तक जनरली ये स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए लोग 7 बजे से ही लाइन लगाना चालू कर देते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बोला है कि 8:30 तक आप कैसे भी गुलमर्ग गंडोला पहुंच जाओ। दोस्तों, जनरली फेज़ वन स्टार्ट कर दिया जाता है, अगर मौसम थोड़ा गड़बड़ भी है तो फेज़ वन स्टार्ट कर दिया जाता है, बट फेज़ टू ऐसे स्टार्ट नहीं किया जाता जब तक प्रॉपर मौसम नहीं है। फेज़ टू के लिए एम्प्टी कंटेनर्स, एम्प्टी केबल कार्स पहले भेजे जाते हैं, टेस्ट किया जाता है कि ये लोड अभी ले पा रहा है इस वेदर में कि नहीं ले पा रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, उसके बाद ही टूरिस्ट को भेजा जाता है। अगर हाई विंड स्पीड हो जाता है, वेदर ख़राब हो जाता है, तो कोई इसमें रिस्क नहीं लेता। दोस्तों, फेज़ टू स्टार्ट होने में डिले हो जाती है या फिर कैंसिल भी कर दिया जाता है, और सबसे बुरी बात है कि इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता। जब लोग फेज़ वन करके फेज़ टू के लिए लाइन लगाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि आज फेज़ टू नहीं चल रहा है। तो जो लोग वेदर ख़राब होने की वजह से या टेक्निकल स्नैग या मेंटेनेंस होने की वजह से फेज़ टू नहीं कर पाए या दोनों फेजेस नहीं कर पाए, उनके लिए क्या प्रोसेस है वो भी आपको क्लियर करूंगा। अभी जो नॉर्मल बातें हैं जो बुकिंग करने के लिए आपको जानने ज़रूरी है वो हम शेयर करेंगे, कैसे बुकिंग करनी है, कैसे पता लगाना है कि फेज़ टू अभी सोल्ड आउट है या रनिंग है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये होम पेज दिखेगा, आपके सामने टाइमिंग्स मेंशन है। बहुत लोग, बहुत टूरिस्ट हमसे पूछते हैं कि क्या आईडी ले जाना ज़रूरी है, तो बिल्कुल दोस्तों, आधार आईडी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल आधार आईडी आधार कार्ड कैरी करें, क्योंकि वहाँ पे आपके जो नेम दिए हुए हैं, आपने जो नाम दिया है वो आपके आधार डिटेल से मैच किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास आधार नहीं है तब आप पासपोर्ट ले जा सकते हैं, वोटर आईडी ले जा सकते हैं, साथ ही जो आप गंडोला के टिकट्स करोगे वो भी आपको मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी ही रखने हैं, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन जो है दोस्तों, हर ऑनलाइन टिकट में QR कोड जो होता है उसे स्कैन किया जाता है, उसी से सारे डिटेल्स क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों, तो ये मेन आपको जो है नोटिस दिखेंगे होम पेज में, जब आप बुक नाउ पे करोगे तो ये वेबसाइट आपको इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। आप देख सकते हो jkcablecar.pu.in/select, तो यहाँ पे जो है मेन आपका काम होने वाला है सेलेक्ट रूट। सेलेक्ट रूट में हम देखेंगे दो रूट होते हैं दोस्तों, एक है गुलमर्ग से कंगडूर और एक है कंगडूर से अफरवात। ये जो अफरवात है इसे हम फेज़ टू बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि फेज़ टू में अवेलेबिलिटी है कि नहीं, तब ही आप फेज़ वन बुक करें। पहले आप फेज़ टू बुक करें, फिर आप फेज़ वन बुक करें। लेकिन इसमें ये रेड नोटिस में ऐसा आपको दिखाएगा कि जब तक आप फेज़ वन बुक नहीं कर सकते हैं तब तक आप फेज़ टू भी बुक नहीं कर सकते। तो इसका एक ही ऑप्शन है जो चेकबॉक्स आपको दिख रहा है कि आई कन्फर्म आई हैव अ वैलिड टिकट टू ट्रैवल फ्रॉम गुलमर्ग टू
कंगडूर ऑफ द सेम डेट, ये आप चेकबॉक्स में टिक लगा दें। उसके बाद जो है आप फिर ये चेक कर सकते हैं कि कंगडूर से अफरवाद जो है इसमें क्या अवेलेबिलिटी है। इसका मतलब है कि आप ये बता रहे कि मेरे पास फेज़ वन ऑलरेडी है, उसके बाद आपके लिए ये ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो प्रोसीड टू नेक्स्ट डे लिख रहा है, सेलेक्ट डेट करना है आपको। उसमें आप अभी देख रहे हो कि 9 तक जो है सोल्ड आउट हो चुका है हमारा फेज़ टू अफरवाद रूट। तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपको 10th या उसके बाद ही फेज़ टू की टिकट्स मिलेंगी, उसी दिन आपको फेज़ वन के भी टिकट्स कराने हैं। अब यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करके आराम से फेज़ टू टिकट्स पहले बुक कर सकते हैं दोस्तों। जैसा आप देख रहे हो जून 9 तक सोल्ड आउट है, अभी एक दिन पहले जून 8 तक सोल्ड आउट था, अभी जो है जून 9 तक सोल्ड आउट हो चुका है। जल्दी मैंने आपको बताया था कि यूनियन की तरफ से काफ़ी प्रेशर है गंडोला एडमिनिस्ट्रेशन पे ऑफलाइन टिकट्स चालू करने को। हो सकता है यहाँ अगले 7 डेज 10 डेज में आपको ऑफलाइन टिकट काउंटर्स भी चालू हो जाए, बट अभी इसके लिए कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है दोस्तों। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों हमेशा की तरह बॉन्जोर इंडिया चैनल सबसे पहले आपको अपडेट देगा और इसके बारे में आपको अवेयर कराएगा। तो अब चलो दोस्तों आगे की प्रोसेस देखते हैं। सपोज मुझे 16 का बुक करना है, मैंने 16 का अफरवात रूट सेलेक्ट कर लिया। अब आपके सामने जो है ये ऑप्शन दिखा रहा है विजिट डेट 16, और आप देख सकते हो टिकट्स अवेलेबल 1053, मीन्स इतने टिकट्स जो है 16 जून को फेज टू के अभी अवेलेबल हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद ये जो है पेज आपके सामने खुलेगा, अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे लिए जो है टिकट्स के कॉस्ट अलग है और जो इंडिया के बाहर है उनके लिए टिकट्स के कॉस्ट अलग है दोस्तों, इसलिए ये सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप देखोगे ऐड विजिटर का ऑप्शन आ रहा है, तो जिनके फैमिली मेंबर्स है सबको गंडोला राइड करना है। आप ऐड विजिटर यूज करके सबके नाम डालोगे फैमिली मेंबर्स के, सबके टिकट्स जो है जब आप चेकआउट करोगे पेमेंट के बाद तो सबके टिकट्स इंडिविजुअली जो है जनरेट होंगे। अगर आपने पांचों का नाम डाला है ऐड विजिटर में तो 5 टिकट्स आपके पास आएंगे दोस्तों। और साथ ही आपको बता दें कि 3 साल से जो ऊपर है उनका ही फुल टिकट लगेगा, 3 साल या 3 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनका कोई टिकट नहीं लगेगा, उनके लिए आपको टिकट कराने की जरूरत नहीं है, आप उनको बिना टिकट के ले जा सकते हैं। जिनके बच्चे 3.5 साल के हो गए हैं, 3 साल से ऊपर के हो गए हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपको टिकट्स नहीं लगे। बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं स्पेशली जो हमारे पर्सनल गाइडेंस मेंबर्स हैं उनको हमने गाइड किया इस बारे में, पूरी तरह रिक्वेस्ट बेसिस पे ये पॉसिबल है, इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम देखेंगे कि इस बारे में क्या हो सकता है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं जब आपने सेलेक्ट कर लिया मोबाइल नंबर आपने एंटर कर लिया तो फिर इस तरह जो है सपोज आपने 4 मेंबर सेलेक्ट किए अपने ऐड विजिटर ऑप्शन के थ्रू, 4 फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड कर लिया, तो ये आपको अब अमाउंट दिखा रहा है कि 4 मेंबर्स के 9 15 × 4 इक्वल टू 3800 ये चार्ज कर रहे हैं दोस्तों। ये फेज टू के लिए रेट है, जब आप इसे चेकआउट करोगे पेमेंट करके फिर आप सिमिलरली फेज वन के लिए यही प्रोसेस फॉलो करोगे। इस तरह आपने फेज़ वन फेज़ टू दोनों के टिकट्स कर लिए। अब हम जानेंगे कि अगर किसी सिचुएशन में फेज़ टू कैंसिल हो जाता है या दोनों फेजेस कैंसिल हो जाते हैं तो आप रिफ़ंड के लिए कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि इस प्रोसेस को अभी जो है इन्होंने रिफॉर्म कर दिया है। पहले बहुत ही बेकार प्रोसेस थी, बस एक ईमेल आईडी दे दिया जाता था जिसमें कोई रिवर्ट नहीं आता था, बट इसने एक न्यू लिंक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जिसमें आप रिफंड के लिए या इवन आपको कैंसिल करना है टिकट, सपोज आपके 2 दिन बाद गंडोला के टिकट्स है आपको कैंसिल करना है, आपकी ट्रिप कैंसिल हो गई है, तो भी आप कैंसिल कर सकते हो, आपका रिफंड आ जाएगा। ये अभी सामने आपको दिख रहा है सेम होम पेज में, आपको नीचे में फॉर रिफंड्स एंड कैंसिलेशन प्लीज सबमिट योर रिक्वेस्ट थ्रू बुकिंग कैंसिलेशन एंड रिफंड सर्विस, ये एक लिंक है, आप इसको ओपन करोगे आपको डिटेल्स डालने पड़ेंगे, आपके ट्रांजेक्शन आईडी, आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, ऑटोमेटिक आपकी जो रिक्वेस्ट है ये एक्सेप्ट कर ली जाएगी। जैसा आप देख रहे हो बुकिंग कैंसिलेशन, तो बुकिंग कैंसिलेशन वही लोग करा सकते हैं, एटलीस्ट 1 दिन पहले आपको राइड से 1 दिन पहले जो होगा आपको बुकिंग कैंसिल करना होगा, तभी आप रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो साथ ही जिन लोगों का फेज टू राइड कैंसिल हो गया मौसम के वजह से, मेंटेनेंस के वजह से, कोई भी रीजन के वजह से, तो वो भी एप्लीकेबल है रिफंड क्लेम करने के लिए। सपोज आप किसी दिन गए गंडोला के लिए फेज वन के लिए, आपने लाइन लगा, आपने फेज वन कर लिया, फिर आपको पता चला कि फेज टू कैंसिल हो गया है, तो फेज टू के लिए आप ये रिफंड रिक्वेस्ट इस लिंक के थ्रू डाल सकते हैं। फेज वन में आपका जो टिकट है स्कैन हो चुका होगा तो ये प्रूफ रहेगा कि आप उस दिन आए थे, बट क्योंकि गंडोला ऑपरेट नहीं हुआ आपने फेज टू नहीं कर पाया। वैसे टूरिस्ट जो अपनी मर्जी से फेज वन नहीं आए दोस्तों, जो क्यू में नहीं लगे, वो इस रिफंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिन्होंने अटेम्प्ट लिया वही एप्लीकेबल है रिफंड के लिए।
और जिन्हें जो है अटेम्प्ट नहीं लेना है उनको एक दिन पहले, जैसे मैंने आपको बताया, अगर नहीं करना है तो एक दिन पहले आपको इस लिंक में इंटीमेशन डाल देनी है, तभी आपकी रिफंड आ पाएगी। अगर आप अपनी मर्जी से नहीं आते हो, आपको पता लगा सपोज कि क्यू बहुत लंबी है या आपका मूड चेंज हो गया और आप नहीं जाते हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपको उसको एक दिन पहले इंटीमेट करना होगा इस लिंक के थ्रू, तभी आपकी रिफंड प्रोसेस हो पाएगी दोस्तों। और एक बात और बताना चाहूंगा, जो भी ऐसे टूरिस्ट मेंबर्स हैं जिनके फैमिली मेंबर्स में सीनियर सिटीजन हैं या बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे लाइन में लगने से सोच रहे हैं, वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी बेस्ट रेमेडी होगा वो आपको हम सजेस्ट करेंगे दोस्तों। और जो लोगों ने रिफंड के लिए एप्लीकेशन डाल दिया उनको कुछ इस तरह जो है दिखेगा कैंसिलेशन रिफंड, ये लास्ट पेज आपको दिखेगा जब आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होगा। गूगल फॉर्म्स के थ्रू ये रिक्वेस्ट ले रहे हैं और आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स विल रिस्पॉन्ड टू योर रिक्वेस्ट शॉर्टली। इस तरह आप रिफंड रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। अभी कुछ और जो है टर्म्स एंड कंडीशन हम देखेंगे जो जनरली आपके टिकट्स में मेंशन रहते हैं दोस्तों। तो ये आपके सामने दिख रहा है, जो मैंने आपको बात बताया, जो टाइमिंग्स हैं वो सब इसमें मेंशन है। पॉइंट नंबर 10 आप देखोगे उसमें लिखा है कि अगर आप नहीं आते हो, नो शो के केस में कोई रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। टाइम स्लॉट को लेके बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो 9 से 11 चूज करें दोस्तों। फेज 1 के लिए टाइम स्लॉट मांगे जाते हैं, तो 9 से 11 आप चूज करोगे मतलब 11 बजे तक आप वहां पहुंच जाओगे। अभी के सिचुएशन में ये टाइम स्लॉट्स कुछ खास मायने नहीं रखते प्रैक्टिकली, ना कोई आपका ये चेक करता है कि आप कब आ रहे हो, बट आपको तो 8:30-9 बजे तक वहाँ किसी भी सूरत में पहुँच जाना है। और जो लोग लेट से पहुँचने वाले हैं वो हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ ही जल्दी पहुँचने का ये फ़ायदा है कि आप फेज़ 1 रैप अप करके फेज़ 2 पहुँच जाते हैं, और 3-4 बजे तक आप फेज़ 2 से भी वापस ट्राई करें आने का, क्योंकि उससे अगर आप लेट करोगे तो फेज़ 2 में भी आपको रिटर्न क्यू का सामना करना पड़ेगा जो अराउंड 2-3 घंटे का हो सकता है। तो ट्राई करें जल्दी आने का और जल्दी यहाँ से निकलने का दोस्तों, ताकि आप अगर साइट सीइंग भी करना चाहते हैं, जो 2 लोकल साइट सीइंग वहाँ एक्टिव हैं अभी, वो आप करना चाहते हैं वो भी आप कर सकें। टेलीग्राम में इसके बारे में डिटेल में अपडेट किया गया है, जो लोग टेलीग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं वो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि कोई भी अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पे ही दी जाती है, उसके बाद ही हम यूट्यूब पे आ पाते हैं, क्योंकि यूट्यूब में दोस्तों वीडियो बनाने में टाइम लगता है, काफ़ी एफर्ट लगता है, तो इसलिए पहले टेलीग्राम पे आएं, ताकि आपको हर दिन कोई ना कोई अपडेट मिलती रहे ट्रिप से रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड। और जो लोग 1-to-1 गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, तो ये आपको सबको पता पेड है, क्योंकि इसमें हमारा काफ़ी टाइम एंड एफर्ट्स लगता है। अगर आपको ट्रिप प्लान करनी है, आइटिनरी प्लान करनी है, बजट होटल सब चाहते हैं, होटल्स के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ कितने खर्चे होने हैं वो जानना चाहते हैं, तो सारी बातें जो है गाइडेंस में इंक्लूड रहता। साथ ही कश्मीर गाइड डॉक्यूमेंट जो हमारा पॉपुलर डॉक्यूमेंट है पीडीएफ फॉर्म में, वो भी आपको इसमें मिलता है दोस्तों। तो जो लोग बजट में सेल्फ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं वो भी हमें पर्सनल गाइडेंस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और जो लोग हमारे पैकेज के लिए इंक्वायर कर रहे हैं, आप रूफाजी ट्रैवल में कश्मीर से डायरेक्ट कनेक्ट करें। जो बेस्ट होटल्स है आपके बजट में वो ऑनलाइन से काफ़ी कम रेट्स में आपको मिल जाएंगे, साथ ही ऑनेस्ट ड्राइवर्स भी आपको मिलेंगे, क्योंकि कश्मीर में एक बात पक्की है कि जिनके होस्ट अच्छे हैं, जिनके ड्राइवर्स ऑनेस्ट हैं, उनका ट्रिप तो बहुत अच्छा होगा। और यदि आपके होस्ट अच्छे नहीं हैं, आपके ड्राइवर कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप बहुत अच्छी यादें लेकर तो वापस नहीं जाएंगे। और मैंने पहले भी आपको कहा है कि लोकल जो रेप्यूटेड एजेंसीज हैं उनको प्रेफर करें, क्योंकि बड़े बड़े जो बैनर वाले कंपनीज भी इन लोकल कंपनीज पे डिपेंडेंट होते हैं दोस्तों, ये आपको नहीं पता है। यहाँ पे लोकल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपकी बुकिंग कैंसिल होती है, यहाँ पे एक ऐसा रिलायबल इंसान होना चाहिए जो तुरंत आपको अल्टरनेट जो है ऑप्शन अवेलेबल करे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।